ये सब हिंदू लोग है, मुसलमान है, हम लोग हिंदू सब मुस्लिम सब एक बोलते हैं, लड़िया में सब भाई भाई होके भगवान सभी एक ही है। ये कोई हिंदू नहीं बोले, ये बड़े मुस्लिम भाई बोले, नहीं मुस्लिम भाई बोले है ना, तो राम रहीम एक है, अल्लाह ताला एक है, भगवान सभी एक ही है, तो फिर तो क्या झगड़ने के कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम माछी मार के लड़के हैं, बच्चे बचपन से हमारा बाप भी माछी मारता, दादा भी माछा, हमारा धंधा ही सागर पुत्र का है, सागर खेलू है, सागर पुत्र। तूफान में भी अभी कितना नुकसान हो गया, कितना आदमी चला गया, अभी 20 दिन पहले तूफान आया, उसके नाम है वो सुरमाई, सुरमाई गोल गोलर 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 और ये सकरा सकरा सापरी सापरी गोयना गोयना और मछली किंग फिशेज मारते हैं हम, छोटे छोटे मछली में नहीं मारते, छोटे छोटे मछली नहीं मारते। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ मछुआरे हैं जो पानी का जहाज वहाँ पे खड़ा है, और मछुआरे जो अपना जाल बिछाए हुए थे, मछुआरे अपना जो जाल है उसको समेट रहे हैं, ये जो जाल है इसके अंदर मछली को लेके आते हैं, जाने की तैयारी हुआ बस। नहीं नहीं अभी आया फिशिंग से, फिशिंग से आया है ना, कितनी फिशिंग पकड़ी आज? आज पकड़ी है, अभी एक घंटे के बाद निकलेगी फिशिंग, आप देख लेना। तो आज मेरी भी किस्मत अच्छी, मुझे भी ताजा लाइव फिश खाने को मिलेगी। कहाँ लाइव फिश? लाइव फिश अंदर से भी, ये बोट हमारी आएगी नहीं यहाँ पे, लगेगी लगेगी, बाद में फिश निकलेगा, आप हमारा भी 10 मिनट लगेगा। बिल्कुल, तो ये जो भैया नाम है भैया आपका, आपको विनोद कुमार मेरा नाम है, ये भैया का नाम विनोद कुमार है, और मेरी भी किस्मत अच्छी है, ये भैया यहाँ पे जाल जो बिछाया हुआ था तो लाइव मछली आ चुकी है, और मैं भी नसीब वाला हूँ कि मुझे आज लाइव ताजा फिश समुद्र की खाने को मिलेगी। और नए साल 2022 में 21 में तो हमने खाई थी अहमदाबाद के अंदर, आपने देखा होगा नरोडा पाथिया के अंदर जो वीडियो में आपने देखा होगा, और अभी हम खाने वाले 2022 के अंदर लाइव फिश, वो भी अपने दीव के अंदर। कौन सा मटन सर? फिश का नाम है वो सुरमाई, सुरमाई गोल गोलर 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 और ये सकरा सकरा सापरी सापरी गोयना गोयना और दूसरा क्या कौन सा है? पापलेट पापली, पापली भी है, पापली इज माय फेवरेट। मैं मुंबई जब भी जाता हूँ तो आंटी से बोलता हूँ, ताई को जो हमारे मराठी आंटी है उनको बोलता हूँ पापलेट इज माय फेवरेट, पापलेट वो आंटी बहुत अमेजिंग बनाते हैं, तो पापलेट भी आने वाली है ना। कितनी देर लगेगी और? एक घंटा लगेगा, एक घंटा और लगेगा। ओ माय गॉड, तो दोस्तों आपको एक घंटा और इंतजार करना पड़ेगा, निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी जहाज लेके जाने वाले हो आप? नहीं नहीं, कल परसों जाएगा, कल परसों जाएगा, ऐसा तब तक घर पे जाएगा, आराम करेगा, आराम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे जहाज आने वाला है उसके अंदर पापलेट वगैरह काफी अमेजिंग फिश आने वाली है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा अगर आप भी फिश के शौकीन हो। तो बस ये हमारे सब मछुआरे भाई है, बहुत मेहनत करते हैं इस धूप के अंदर, आप देखो कितनी धूप पड़ रही है, जाली में गोल मारते हैं, जाली के अंदर गोल मारते हैं वगैरह, बड़ा बड़ा मछली किंग फिशेज मारते हैं हम, छोटे छोटे मछली में नहीं मारते, छोटे छोटे मछली मारते हैं ना, बिल्कुल बड़े बड़े, तो बड़े बड़े फिश मारते हैं, काफी मेहनत करते हैं, इनको काफी मेहनत होती है, लेकिन उसके पीछे काफी मेहनत होती है तब जाके ये फिश अपने हाथ में आती है। तो इतना सारा आप देख पा रहे हो, मैं उनकी मेहनत आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, कितनी मेहनत करते तब जाके फिश अपने हाथ में आती है। देखिए इनका पूरा जाल होता है, इनको पकड़ने के बाद में किस तरह से मेंटेन किया जाता है, 200-250 किलोमीटर तक जाते हैं हम मछली भरने, 200-250 किलोमीटर अंदर जाते हैं, नियर नजदीक बॉम्बे के नजदीक जाते हैं। अच्छा, नियर बॉम्बे के नजदीक जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ इस तरह के जहाज रहते हैं, मैं आपको जहाज भी दिखा देता हूँ, ये कितने काफी बड़े जहाज रहते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीताराम प्रसाद इंडस्ट्री, ये जो जहाज आप देख रहे हो ये पानी से, ये समुद्र है और समुद्र का पानी आप देख पा रहे होंगे, दूर दूर तक समुद्र है, और ये जहाज आप देख पा रहे होंगे, और मैं भी जहाज के बिल्कुल करीब हूँ, आप देखिए पानी का जो जहाज है उसके अंदर ये भैया लोग जो है आपने देखा ये फिश के लिए जाते हैं समुद्र के बीच में, काफी दूर तक जाते हैं तब जाके ये मछली पकड़ते हैं, फिर उस मछली को आप तक पहुंचाते हैं। जहाज कितना बड़ा है मैं आपको एक बार बताता हूँ, यहाँ से शुरू होता है और छः वहाँ तक, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं है, काफ़ी बड़ा जहाज है, तो काफी बड़ा जहाज है, आप लोग प्लीज इनके सपोर्ट कीजिए। जाल छोड़ना हो तो दोस्तों एक और बात कहना चाहूंगा आपको, जो हालांकि मेरे मन में कई बार थी, मैं आपके सामने पेश करना चाहता, लेकिन मैं अपने दिल से बोलता वो हजम नहीं होती। ये भैया जो है, क्या नाम है भैया आपका? अमीन आजीज भाई, अमीन आजीज भाई है। कितने दिन तक आप रहे दरिया के अंदर? हम 15 दिन तक, 10-10, 15-15 दिन तक ये दरिया के अंदर रहते हैं, इनका खाना पीना सब कुछ बोट के अंदर होता है, तब जाकर के आपके नसीब में पॉपलेट है, ऐसी अच्छी अच्छी फिश, सुरमा है, सुरमा है, मिलता है, गोयना मिलता है, गोयना मिलता है, गोयना गोयना गोल साकरा मिलता है, आबरूस मिलता है, तो इस तरह बड़ा बड़ा मच्छी मिलता है, वो लेके आता है हमको, महीने का किराया मिलता है 18,000 रुपया, 18,000 मिलता है महीने का, वो सेट देता है, सेट के साथ में हमारे महीना दिन साथ में रहने का,
महीना दिन तक काम करने का उसके साथ में, ये जाली वगैरह। अभी आए हम समंदर में से फिशिंग करके, और बाकी 10 दिन के 10 दिन की फिशिंग करके आए ना, अभी कल परसों काम हो जाएगा, 2 दिन के बाद पासी समंदर में चले जाएंगे। अच्छा। अभी 10-15 दिन के बाद वापस आएंगे। 10-15 दिन आप लोग समुद्र के अंदर ही रहते हो, मतलब बीच में दरिया पे बिल्कुल आना नहीं रहता? नहीं, नहीं, नहीं। खाना वाना सब अंदर। तो दोस्तों समुद्र मैंने, हमारा जो बिजनेस है आपको पता होगा, हमारा प्रॉफिट ओशन नाम के बिजनेस है, जिसका वीडियो आपने देखा होगा प्रॉफिट ओशन नाम से, उदयपुर के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। तो वो पैसे का समुद्र उसको बोलते हैं, बट यू नो आई थिंक वो रिस्क है शेयर मार्केट का, बट दिस इज द वेरी रियल इंपॉर्टेंट रिस्क। ये भैया जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के समुद्र के बीच में जाते हैं, 10-15 दिन तक समुद्र के बीच में रहते हैं। इनको तो फिक्स पगार मिलता है, लेकिन जो सेठ होता है मेन प्रॉफिट कमाता है सेठ। सेठ को जो होता है, जो सबसे मेन जो मुनाफा होता है सेठ को होता है, बट रियल में जो जोखिम उठाते हैं वो ये भैया है। ये सब आप देख पा रहे हो, इनके साथ में इनके ग्रुप के जो लोग हैं, ये जोखिम उठाते हैं तभी आप लोग जो इतनी अच्छी अच्छी फिश अपने घरों में बैठ के सिटीज के अंदर खा पाते हो। तो इनके लिए दुआ कीजिएगा कि ये सलाह सही सलामत रहे, इनकी जान अल्लाह ताला इनको और भी आगे बढ़ाए, इनको खुदा एक हिरमत बरके और ये सही सलामत रहे। तो आप लोग इतना अच्छा जो लवाजमा टेस्ट करते हो वो आपको टेस्ट करने को मिलता है। हमारे आसिफ भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं अहमदाबाद जमालपुर से, तो आसिफ भाई, आसिफ भाई है, सलीम भाई अपने है ना, तो देखिए अपने भाई लोग हैं, अपने ही लोग हैं, तो ये काफ़ी यार मेहनत करते हैं। इनके लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से कि इनको अल्लाह ताला सही सलामत रखे। तूफान में भी अभी कितना नुकसान हो गया, कितना आदमी चला गया, अभी 20 दिन पहला 20 दिन पहले तूफान आया था। अच्छा 20 दिन कोई अपने चला नहीं, नुकसान थे गया कुछ नहीं, हम वो बोट भी यहाँ पड़ा हुआ है टूट गया, कितना आदमी चला। अच्छा बोट भी टूट गया। हाँ तो तूफान था, आप लोग भी अंदर थे समुद्र में? समुद्र में सामने गांव दिखता है ना, सामने देखने दिखता है, जाकर बिल्कुल बिल्कुल वो जो सेंटर में जो गांव है बिल्कुल, क्या नाम पड़ता है उसका? नवा बंदर। नवा बंदर बिल्कुल बिल्कुल, नवा बंदर। बंदर में कितना 3 आदमी चला गया, कितना 9 आदमी चला गया, 9 आदमी मर गया, और 9 आदमी मर गया अपने ग्रुप का। तो उसके लिए कोई बीमा पॉलिसी वगैरह ऐसा कोई गवर्नमेंट वगैरह करती सपोर्ट करा हुआ है? बिल्कुल। और शेर लोग जो अपने जिसके लिए काम करते हैं वो शेर लोग सपोर्ट करते हैं? तो ये अच्छी बात है, मैंने पूछा इनसे अपना होने के नाते, देखिए इंसानियत के नाते, यहाँ पे धर्म मायने नहीं रखता, आप कौन से धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का। मेरे अंदर इंसानियत है, इंडियन इंसानियत है, और हमारे आसिफ भाई, सलीम भाई सब इंसान के नाते हमारा एक ही धर्म है, बरोबर। बट ये लोग ने बोला कि भाई यार सपोर्ट करता है सिर लोग और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता, वो अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए, किसी का भी सपोर्ट करना चाहिए। और ये जान जोखिम में डाल के यार आपके लिए फीस पकड़ने जाते हैं ये लोग सब है ना, ये सब हिंदू लोग है। अच्छा ये लोग हिंदू लोग है? अच्छा मुसलमान है, हम लोग हिंदू सब मुस्लिम सब एक बोलते हैं, दरिया में सब भाई भाई होके भाई भाई होके धंधा करते हैं, उसके साथ में एक मुसलमान, एक मुसलमान है, तो भी हमारे कोई 10 हिंदू लोग रहते हैं ग्रुप में और एक मुस्लिम रहता है, कोई मतलब भाईचारा यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नहीं, मिलजुल के प्रेम से रहते, प्रेम से प्रेम से, वैसा कोई है नहीं हमारे में हिंदू। अब ये बात सुन रहे, अगर आपको अभी भी लड़ना है तो लड़ो, राजनीति के नाम पे, चुनाव के नाम पे, वोट के नाम पे अगर लड़ना है तो लड़ो गंदी राजनीति। मैं जेके मथुरिया देखो क्लियर एंड कट में बोलता हूँ, आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, हम लोग तो ऐसे ही समझते कि राम रहीम सब एक ही है, अल्लाह खुदा, अल्लाह खुदा भगवान सभी एक ही है, ये कोई हिंदू नहीं बोले, ये बड़े मुस्लिम भाई बोले, नहीं मुस्लिम भाई बोले है ना, तो राम रहीम एक है, अल्लाह ताला एक है, भगवान सभी एक ही है, तो फिर तो क्या झगड़ने के कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम माछी मार के लड़के हैं, बच्चे बचपन से, हमारा बाप भी माछी मारता, दादा भी माछा, हमारा धंधा ही सागर पुत्र का है, सागर खेड़ू है, सागर पुत्र बोलते हैं खेड़ू, हम लोग मच्छी मारते हैं तो वो एक्सपोर्ट जाते हैं, सरकार को इंडिया कितना मिलता है सबको हमको मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सरकार को हमको सहायता देनी चाहिए, हमारे को फिशरमैन को। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दादाजी मोदी जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज हमारे ये भाई लोग हैं जो माछी पुत्र है, जो सागर पुत्र है माछी मार, इनको सपोर्ट कीजिएगा, इनकी भी अपनी एक लाइफ है, मतलब ठीक है ना, हम एक लोग कमाते हैं तो हमारे 10-12 की फैमिली खाती है। बिल्कुल हाँ ऐसा है, हम नहीं ये धंधा करेंगे तो कहाँ जाएगा, खेडूत जमीन पे तो नहीं दे, हमें करता है धंधा हमारा, नहीं सब बंदर में ऐसे ही है। एक आदमी मैं कमाता हूँ, मेरे को महीने का 18,000 रुपया पगार मिलता है, उसमें 6 आदमी हम खाने वाले हैं घर पे, 6 आदमी, 6 आदमी बिल्कुल बिल्कुल, 6 आदमी, 2-3 बच्चा है, माँ है, बीबी है और पापा है, सबको खिलाना पड़ता है ना घर, और उसमें लाइट बिल, सारे किराए का मकान सब भरा भर के क्या हमको बनता है, कुछ भी नहीं होता है, बस खाता है पीता है और दूसरों के आवाज़
बिल्कुल। तो जो भी मंत्रीगण अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे आपसे एक ही अरदास है कि हमारे ये जो मित्र लोग हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, इनको सपोर्ट कीजिएगा। मेरे को बोलने दो जी। बोली बोली। हाँ, मैं 10वीं कक्षा पास हूँ, SSC में मैंने साइंस रखा था, पास हूँ। 11वीं धोरण भरने के बाद एडमिशन नहीं मिला, कहाँ से डोनेशन लाए, कहाँ से पैसा लिया एडमिशन। बाद में मैंने सोचा नहीं है, मेरे को पढ़ने का नहीं, मैं अभी मच्छी मारूंगा। मेरी अम्मा तो बोलती कि तू अच्छा लड़का है, तुम पढ़ो पढ़ो। कहाँ से पढ़े, एडमिशन को इतना दो तो मेरे को एडमिशन दो। बाद में मैंने ये छोड़ दिया पढ़ने का, ये बाप का धंधा पकड़ लिया। क्या बुराई है उसमें? मेहनत करो, आप अपनी जी जान लगा चुके हैं उसमें। हाँ, हम लोग करते, हमारा भाई करते, हमारे गांव वाले सब ऐसे ये धंधे पर नपते हैं क्या? इसमें कोई बुराई तो नहीं है? नहीं नहीं, बुराई नहीं। आप मेहनत करो। 18-19-20 हज़ार हमारा पगार है, महीने का तनख्वाह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौमासे में बारिश में हम दूसरा धंधा पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, चौमासे बारिश में दूसरा धंधा। बिल्कुल, मेहनत करके ऐसे हाथ हो जाए। उनके हाथ में आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप लोग जो मछली खाते हो, फिश खाते हो, लेकिन इन भैया के हाथ देखिए, ये मेरे हाथ देखिए, एकदम कोमल है, नाजुक है, लेकिन ये भैया जो मेहनत कर रहे हैं, इनके हाथ में दिखाना चाहूंगा, आप देखिए, आपको बहुत ही यहाँ पे देखिए तरह तरह से फटे हुए, लेकिन फिर भी बरखुदार अल्लाह ताला की दुआ से, ऊपर वाले गॉड गिफ्ट की दुआ से, भगवान की दया से, ये अभी भी मेहनत किए जा रहे हैं। देखिए ये भैया जो है, जिन्होंने अभी बताया खाना पकाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ता है, कई कई दिनों तक ये समुद्र के बीच में रहते हैं, मतलब सागर पुत्र कहलाते हैं। इनकी हिम्मत की मैं दाद कर देता हूँ, जैते मतरिया। लेकिन समुद्र का मौसम जो है 12 महीने एक सर का नहीं रहता है, कभी मछली हाथ में आती है, कभी नहीं भी आती है। लेकिन इनके जीवन में, इनके परिवार का क्या होगा, उनके बारे में जरा सपोर्ट रखे। सब खलासी भाई है ना, यहाँ पे डीव है, लेकिन हम सब नवा बंदर के। अभी ये तूफान में नवा बंदर में क्या हालत हो गई, सब पुलिस वाले को तुम कॉन्टेक्ट करो, सबको कॉन्टेक्ट करो। पूरे नवा बंदर की हालत बहुत खराब है, जहाज ऐसी ऐसी बोट टूट गई, 9 आदमी मर गए। ऐसी बोट है ना, जो नवा मंदिर की, तुम देखो सबका बहुत नुकसान हुआ। उसको सरकार को देना पड़ता है सहाय को कुछ, पहले क्या वो राहत दिया ने उसका दिया, इसका कुछ देना पड़ता है। क्योंकि अभी मासी मार कहाँ से वो बोट सब रिपेयरिंग कराएंगे, कौन इसको पैसा देंगे, ऐसा है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमारे जो मच्छीमार भाई है, सागर पुत्र है, कि किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जाल वगैरह जो है समेट रहे हैं। सीजन पूरा हुआ, जैसे इनका जो कार्यकाल पूरा हुआ, तो शायद किस तरह से इनकी जो देख रहे हैं कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है जाल को पूरा समेट के रख रहे हैं। काफ़ी कड़ी मेहनत लगती है इनकी। इनके हाथ मैंने दिखाया, मुझे काफ़ी अंदर से मुझे काफ़ी दुख हुआ, मतलब, और उम्मीद है कि आपको भी दुख हुआ होगा। तो प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये जो बोट आप देख रहे हो, इसके जस्ट बगल वाली बोट, ये वाली बोट है जो हमारे मच्छी वाले जो भाई साहब है, जो आपने वीडियो में आके देखा, मच्छी मार जो हमारे भाई लोग थे, हमारे ग्रुप के लोग थे, अपने ग्रुप के लोग, मतलब ऐसा समझिए। तो ये देखिए, ये मछली का जाल है पूरा, मतलब जो अभी समेट रहे हैं। दूसरी एक जहाज जो है वहाँ से आने वाली है, तो उसके अंदर से जो माल आएगा मच्छी का, वो सब यहाँ पे अभी यहाँ पे उतार दिया जाएगा। जो कि आप देख रहे हैं, इनका जो दर्द है यार, बाकी मैं बोलो बहुत काफ़ी, मतलब तारीफ क्या बोलूँ, मतलब काफ़ी दर्द नुमा दर्द है। जो भी मंत्रीगण अगर ये वीडियो देख रहे हैं, राजनीतिक लोग, प्लीज़ इनको सपोर्ट करें। और इनके जहाज के अंदर अभी कैप्टन में वगैरह, कैप्टन बैठे हैं अंदर नहीं है किधर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग सब 10-15 दिन तक इस जहाज के अंदर बाहर रहते हैं, अंदर समुद्र के अंदर। ये किससे चल रहा है, डीजल से चल रहा है, इंजन से? डीजल से। 10-15 दिन तक ये दरिया के अंदर ही रहते हो आप लोग। तो ये जहाज आप देख पा रहे हो, 10-15 दिन तक समुद्र के अंदर ही रहता है। अभी जो फिश लेके आए थे, वो मछली खाली कर दी यहाँ पे सारा? नहीं, बाकी है, मतलब अभी आने वाला जहाज? नहीं नहीं। तो ये बता रहे आने वाला जहाज? मछली में भी कुछ नहीं है सर? तो ये तो बोल रहे कि 1 घंटे में आने वाला जहाज। हाँ, ये बोल रहे कि जहाज आने वाला है 1 घंटे में, जो उतारेंगे माल। नहीं अभी तो कोई नहीं आया, अभी हम लोग एक था कि अभी आ गया इधर, है ना। अभी कितने दिन लगेंगे और जहाज आने में? जहाज आने में सुबह में आ जाएगा। सुबह में आ जाएगा ऐसा ना? तो रात को भी अंदर ही रहते हैं समुद्र में? समुद्र लहरें उठती है वगैरह ऐसा ऐसा। तो जाने वाला कोई है अभी जहाज को? जाएगा सुबह में। सुबह में जाएगा? सुबह में कितने बजे?
सो फाइनली आपने देखा ये जो जहाज है इसके अंदर भैया ने बताया कि भी 14 से 15 लोगों की इनकी जो टीम रहती है वो 10-15 दिन तक समुद्र के अंदर रहती है, जो कि आप देख पा रहे होंगे पीछे दरिया के अंदर ये जहाज है, इसके अंदर 15 लोग जो है टीम के अंदर रहते हैं और काफ़ी बड़ा रिस्क लेते हैं तभी वो रिस्क को मेंटेन कर पाते हैं। रिस्क है तो इसके मैंने अपना डायलॉग इनको बताया, लेकिन यार काफ़ी बड़ा रिस्क है समुद्र के अंदर रहने का। खाना पीना इनका चूल्हा चौका सब अंदर ही रहता है, जहाज़ के अंदर ही रहता है, खाने पीने की जो भी व्यवस्था रहती है। ये लोग 15 दिन तक समुद्र के अंदर ही रहते हैं, इनका जो भी खाना वाना होता है अंदर ही बनता है। अब बीच में आप समुद्र के अंदर चारों तरफ पानी पानी, मतलब कुछ भी अगर ऐसा कुछ आता है तो इनको, और ये तो हालांकि ठीक जहाज़ है, बट यू नो मैं जिस जहाज़ पर बैठा हूँ आप देख पा रहे होंगे ये बड़ा जहाज़ है इससे, और हालांकि इससे बड़े बड़े जहाज़ होते हैं आप जो फॉरेन के जहाज़ होते हैं अमेरिका के, चीन के, जापान के मालवाहक जहाज़ होते हैं, वो भी अगर मौका मिला तो मैं आपको बताऊँगा आगे, बट काफ़ी रिस्की मामला है। मतलब तो मेरा ये मामला था कि हमारे चैनल जे के मथुरा व्लॉग चैनल के माध्यम से, एसजी न्यूज़ के माध्यम से आपको एक बताया जाए कि भाई यार इन लोगों की बड़ी एक रिस्क लेते हैं तो इनको सपोर्ट किया जाए, यार काफ़ी बड़ी रिस्क लेते हैं ये लोग। तो आप देख पा रहे होंगे ये दीव का नज़ारा है, दीव के अंदर इस वक्त मैं हाजिर में हूँ, यहाँ पर तिरंगा भी है और यहाँ पर माता जी का भी ध्वजा लहरा रहे हैं, भारतीय जहाज है ये, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट से मेरा खुद का दिल भरा है यहाँ पे ये माहौल देख के। सो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे उस जहाज पे, अभी इस वक्त मैं था जहाँ मैंने आगे का वीडियो शूट किया है, तो वहाँ पे जो कप्तान वगैरह थे जो वहाँ के जो भैया थे उन्होंने मुझे बोला कि एक बड़ा जहाज आया हुआ यहाँ पे पैसेंजर जहाज, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पे जेटी पे चले जाइए, तो मैं जेटी पे आ चुका हूँ। जेटी पे बोले तो चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, चारों तरफ दरिया किनारा जो कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे दूर दूर तक कोई बड़ा जहाज दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने बोला कि कोई पैसेंजर जहाज आए, लेकिन सामने जो है मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला जो है वो पैसेंजर जहाज नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर पैसेंजर जहाज, वो एक कोई बना हुआ है सीमेंट का या कोई मटेरियल्स का बना हुआ है यहाँ पे, और ये जो है ये मछुआरे भैया है जो यहाँ पे कुछ मछली वछली पकड़ रहे हैं, और पकड़े नहीं पकड़ के आए होंगे हालांकि, बट हाँ जो भी है छोटी सी नहीं है इनकी जो नाव में पकड़ के आए होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल, और यह मैं आपको थोड़ा सा बैठ के यहाँ का किनारा बता देता हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई जहाज़ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बड़ा जहाज देखने की बड़ी तमन्ना थी, मैं बड़ा जहाज देखना चाहता था कि बड़ा जहाज कैसा होता है पानी का, समुद्र का जो जहाज होता है, लेकिन समुद्र के बीच में बैठ के काफ़ी सा सुकून मिल रहा है मुझे, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा इस बार वीडियो। तो कोई नहीं यार, दुआ कीजिएगा मैं भी जल्द से जल्द एक बड़ा समुद्र का जहाज़ देखूँ, और मेरी दिली तमन्ना है, मेरा एक सपना है, मेरा भी ड्रीम है कि मैं एक बड़ा जहाज़ देखूँ पानी का जहाज़, उसमें सिर्फ देखूँ ही नहीं उसके अंदर सवार हूँ और मैं उस जहाज़ के अंदर बैठ कर दुनिया के उस कोने में चला जाऊँ। भैया यहाँ पे आ चुके हैं जो कि एक्टिव पे, इनसे जानते हैं कि भी बड़ा जहाज पैसेंजर जहाज कहाँ पे है, तो शायद ये यहीं के अनुभवी लगते हैं, तो इनसे जानेंगे तो पता चलेगा कि रियल में बड़ा जहाज पैसेंजर जहाज आया, नहीं तो वो जो भैया यहाँ पे जो फिशिंग करके आए उनसे जानते हैं, तो कोई नहीं यहाँ से जानते हैं एक फिशिंग जहाज यहाँ पे पैसेंजर जहाज आया सर, पता है आपको जाना है? हाँ बिल्कुल, वापस आना है। वापस तो क्या, अगर जाने का मौका मिले तो थोड़ा घूमने का भी हो जाए समुद्र में। फोन आया था, आपने किया था? फोन नहीं किया था मैंने, मैं एक्चुअली ये वाले जहाज पे था, ये जहाज है ना फिश वाला, तो यहाँ पे था, तो इन्होंने बोला कि पैसेंजर जहाज आया, तो आपने बोला कि भाई यहाँ पे आप चले जाइए फेरी पे, तो यहाँ से देखने को मिलेगा। छोटा वाला है जहाज, छोटा वाला पीछे ही मैं तो किले से देख सकते हैं, तो अगर आप, मैं अहमदाबाद से हूँ, मैं मेरा ड्रीम से मतलब एक बार देखने का, तो अगर आपके पास हो 2 मिनट का समय तो मुझे छोड़ दो, क्या शिप पे जाना है? बिल्कुल शिप देखनी, मेरी दिल्ली तो मन है सर। पैसा लगेगा? पैसा तो लगेगा, ले ले ले, इसमें क्या टिकट ही नहीं लगेगा ना, और तो क्या बात, वो क्या है कि वो जोड़ी है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, अंदर में जाओगे तो ठीक है। हाँ, एक आदमी जाने वाला है उसमें। हाँ, उसका वेट कर, बिल्कुल बिल्कुल वेट कर, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, आपको जाना है ना तो यहाँ पे गेट में। बिल्कुल 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 जाएगी, सही जाएगी जी, मतलब जहाज वहीं से जाएगी, यहाँ पे होके जाएगी, ओड़ी दिख रही है ना, वही जाती है, मतलब कहाँ तक, मुझे कहाँ छोड़ेगी वो फिर? वो सिर्फ सिप के पास ही जाएगी, सिप के पास ही जाएगी सर, उसको एक पैसेंजर को छोड़ना है। अच्छा अच्छा, पैसेंजर को छोड़ना है सर, और 5 आदमी को लाना है, और आपको देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देगा ना पैसा, दे देना उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मना है, मैं आपको
मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। और कुछ मैं समुद्र में सफर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में काफी सारे रिस्क लिए, एक और रिस्क लेना चाहता हूँ। अगर बच गया तो मेरा वीडियो और भी आएगा, नहीं तो ये मेरे लाइफ का आखिरी वीडियो हो सकता है। और मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था कि मेरे जीवन का आखिरी वीडियो कौन सा हो, बट अब मैं जीवन को एंजॉय करना चाहता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था वैसे एंजॉय करना चाहता हूँ जीवन को, क्योंकि जीवन का मजा लेना चाहिए, जीवन का एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि यार हर तरह का अनुभव, मैंने हवाई जहाज में बैठा, हवाई जहाज मेरा बचपन में सपना कि मैं हवाई जहाज में बैठूँ, लेकिन आज हवाई जहाज में बैठ बैठ के मैं बोर हो चुका हूँ। काफ़ी बार हवाई जहाज में बैठ चुका हूँ, लेकिन बचपन में ड्रीम था यार हवाई जहाज कैसा होता है, और आज तो हवाई जहाज मेरे लिए आम बात हुई। लेकिन पानी के जहाज में, हालांकि बॉम्बे में बैठा था, वो मैं हाजी अली की गुफा तक गया था, वो छोटा सा था, बट मैं चाहता हूँ समुद्र के बीच में समुद्र को चीरते हुए जब जहाज एकदम आराम पार निकले, तो वो कैसा सफर होगा, कितनी भयानक वो माहौल होगा, मतलब उसमें कितना अपने रोंगटे खड़े हो गए, अपना दिल कैसे धपड़ाएगा, मतलब तो वो मैं एक बार एंजॉय करना चाहता हूँ। वो आपने आगे भी वीडियो में देखा, मैंने यहाँ पे मछुआरे जो थे भैया हमारे, तो पानी से जो मछली लेके आते हैं उनका भी इंटरव्यू लिया, उनसे बारे आपको मिलवाया, तो बस वही चीज़ है। तो मैं यहाँ इंतजार कर रहा था भैया आए, तो ये जो मुझे अभी जहाज का मौका मिलेगा तो मैं जहाज में बैठूंगा, समय नहीं मतलब तड़प रहा हूँ जहाज में बैठने के लिए। तो चलिए जहाज जो भी आता है बड़ा जहाज उसमें बैठ के हम समुद्र की यात्रा करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे बावता होते हैं सिटी के अंदर, मतलब पानी का जो जहाज जाता है यहाँ से दीव से जो है सूरत के लिए हजीरा पोर्ट पे एक जहाज जाता है जिसका प्राइस है 1200 रुपये सीटिंग है, और 3000 रुपये में अगर आपको स्लीपर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सेटिंग से लेके जा रहे थे, मैंने उनको बोला जो 2500 रुपये था उसका, मैंने कहा 3000 रुपये ले लीजिए, मुझे थोड़ा एक ड्रीम था मेरा यार, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो स्लीपर काफ़ी सारे बुक हो चुके होते हैं। और सामने जो है जो ये यहाँ का नज़र मैं आपको देखता हूँ, दीव का काफ़ी सुंदर सिटी है यहाँ का, और ये है दीव नगर पालिका परिषद, दीव म्यूनसिपल काउंसिल का बोर्ड है यहाँ पे, उसका जो ऑफिस है जस्ट लाइक इस गली के अंदर है। और हमें फ़िलहाल कोई दीव म्यूनसिपल्टी का कोई काम नहीं है फ़िलहाल, तो हम अभी पढ़ेंगे आगे की ओर। अभी यहाँ से हम जाएंगे नागवा बीच की ओर, और उसके बाद देखेंगे शाम को अगर मौका मिला तो समुद्री जहाज़ के अंदर सूरत के लिए हजीरा पोर्ट वाला है उसका लुत्फ लेंगे, अगर मौका मिला तो, अगर अच्छा लगा तो, बाकी तो देखेंगे, बाकी तो दीव ही घूमेंगे, बराबर ना।